वो सारे जो है चोरी हो गए हैं। और किधर से हो गए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने रखे थे ये देखें, हमने इसके ऊपर ये लकड़ियाँ वगैरह जो है वो रखे थे। तो जी हम आ गए शॉप। शीशा बड़ा गंदा है यार। हमारे पास जो टूटा फूटा जो पुराना वाला सामान, सामने जो घर है ना वो देखो कॉर्नर पे, ये देखे कैमरा नज़र आ रहा है वो छोटा सा। तो हेलो गाइज, मैं सलाम वालेकुम ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो है दूसरा काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है हमें, लेकिन हमारे साथ जो है बहुत ही दर्दनाक जो है वाकया हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा तो है वीडियो मैं 2-3 दिन से इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि हम फारिग भी नहीं थे और कुछ काम जो है उसमें मसरूफ़ भी थे। हमारे साथ हुआ ये कि हमारे मशीनरी जो है काम करने की वो सारे जो है चोरी हो गए हैं। और किधर से हो गए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने रखे थे ये देखें, हमने इसके ऊपर ये लकड़ियाँ वगैरह जो है वो रखे थे सारे। तो वो पता नहीं चोर कहाँ से आए, तो वो सारी थेरी जो है वो उठा के लेकर, ये बड़े वाले मशीन जो है वो रह गए हैं बस, खाली पूरा जो है बाकी मस्जिद हो गया है। क्योंकि कोई मशीन हमारे लिए नहीं छोड़ा है उसने, तकरीबन 5-6-7 मशीन और हाथ वाले जो काम करने की चीज़ें होते जो भी हैं, तो सब के सब जो है चीज़ें लेकर गए हैं। तो दो दिनों से हम उधर ही फिर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं कि किसने किया है किसने नहीं किया। और हमने सिक्योरिटी गार्ड से बोला, वो कहे कि मुझे नहीं पता। तो अभी अल्लाह खैर करे कि क्या होने वाला है। तो मालिक से हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि चौकीदार से जाके पूछो कि तुम इधर थे तो क्या हुआ, ये कौन आया था। तो अभी कुछ पता नहीं चला, तो देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। क्योंकि हमारा जो है ना काम जो है वो रुक गया है। क्योंकि जब औजार हमारा होता है वो नहीं होता तो हम काम फिर किससे करेंगे, क्योंकि हाथों से तो होता नहीं है। तो बस अल्लाह खैर करें, हम दुआ करेंगे कि चोरी किसने की है और क्यों की है, भला हमारा सामान जो है वो क्यों उठाया है। तो कंप्लेन अभी तक नहीं की है, तो देखते हैं। नेक जो है वो आया है वो उससे बात करने, तो फिर देखते हैं कि कंप्लेन करनी है या नहीं करनी है, किसने चोरी की है। और दूसरी बात ये कि इधर हमारा जो पीछे जगह है उधर एक घर है, तो उसमें जो है कैमरे भी लगे हुए हैं। तो हमने कल उससे जाके बात की, लेकिन उधर जो है खाली औरतें हैं, लड़के जो हैं उधर नहीं है, पता नहीं किधर गए हुए हैं। तो वो कह के हम रात को जो है सीसीटीवी फुटेज जो है वो सारा देख लेंगे, फिर हम आपको आज बताएंगे। तो अब थोड़ी देर बाद जो है उधर भी जाएंगे ताकि वो सीसीटीवी फुटेज जो है अगर उन्हें मिला हो, अल्लाह करे के मिला हो और चोर उसमें दिख जाए, तो बहुत बहुत अच्छा होगा। फिर हमें जो है अपना सामान जो है पूरा मिल जाएगा। बस दुआ ही कर सकते हैं और आप भी हमारे लिए दुआ करें इंशाल्लाह। देखते हैं कि होता क्या है। बस दरवाज़े तकरीबन बन गए हैं और खिड़कियाँ भी जो है वो भी सारे जो है बने हुए हैं। और दरवाज़ों पे जो है ना वो अभी थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह बाकी थी। ये देखें दरवाज़े पूरे के पूरे जो हैं सारे बिल्डिंग के जो हैं ये बन गए हैं। लेकिन इसका रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत साइड पे है ये घर, और मैं आपको बाहर भी जाके दिखाता हूँ। ये देखें बहुत साइड पे है ना, तो ये जो है ये देखें पूरा जंगल लग रहा है ना, तो बिल्कुल साइड पे कॉर्नर पे जो है घर है। तो पता नहीं शायद इसी वजह से जो है चोर वगैरह आए होंगे। तो बस क्या करें, क्या कर सकते हैं, हमारे ही नुकसान जो है वो हुआ है। तो अब देखते हैं कि सामान नया लेते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये जब सिक्योरिटी गार्ड होता है तो फिर इनकी वजह से होता है, क्योंकि वो एहतियात नहीं करता। तो सामान तो जब हफ्ते के दिन हम आए तो ये पीछे जो जगह आप देख रही हैं, ये पीछे जगह इधर जो है पैरों के निशान भी हमें मिले थे, लेकिन कुछ ख़ास पता चला नहीं है। और वो सामने जो घर है ना वो देखो कॉर्नर पे, ये देखे कैमरा नज़र आ रहा है वो छोटा सा। तो इन कैमरे में शायद ये जो है ना 3D कैमरा है, तो वो जो घूमता है पूरा, तो इंशाल्लाह उसमें थोड़ा सा तो फुटेज तो है वो आया होगा ना, थोड़ा सा। विदेशी देखा 3D दरवाजा वाली विदेशी वो कल ये फिक्स हो लगा हुआ। तो
हमारे पास जो है दो दो सेट होते हैं, लेकिन वो जो दूसरा है वो नया था जो चोरी हो गया था, और दूसरा था वो पुराना था। तो कल ठीक करवाया लेकिन हमने उसकी वजह से जो है इधर रख दिया। देखिए नीचे। तो जी हम आ गए शॉप। शीशा बड़ा गंदा है यार। हमारे पास जो टूटा फूटा जो पुराना वाला सामान है, मतलब हम दो पेयर्स रखते हैं ना, एक ख़राब हो जाता है तो दूसरा जल्दी से निकाल लेते हैं। हमने ये पुराने पुराने वाले भी निकाल लिए, और जो हमारे साथ जो चोरी हो गए थे वो नए वाले थे। इसके डब्बे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, एक इसका डब्बा वो रहा है देखें ऊपर पड़ा हुआ है, और एक पता नहीं अभी कहीं पड़ा होगा, मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन अभी मैंने निकाले, लेकिन किस्मत जो है साथ नहीं दे रही, पता नहीं क्यों। लेकिन ये देखें बड़ा वाला मशीन जो है ना, ये हमने कल ठीक करवाया, जैसे आज हमने स्विच लगा के दबाया ना वो जल गया, ये इसने भी साथ जो है छोड़ दिया हमारा। तो इंशाल्लाह देखते एक दो दिनों में अब शायद नया लेना पड़ेंगे। अभी हमारे पास इतने खास कुछ है भी नहीं ताकि हम उससे काम कर सकें ना, क्योंकि वो हथौड़ी वगैरह जो है वो भी सारे गए हुए हैं। अभी हमारे पास ये देखें, मैं आपको हथौड़ा दिखाता हूँ, ये मैं हमारे पास हथौड़ी बची हुई, एक ये छोटी हथौड़ी है, और बाकी बस अल्लाह अल्लाह खैर है। असल में ना बात इस चीज़ की नहीं होती, चोरी की, पैसों की यार, चीज़ों की, क्योंकि वो चीज़ें आते जाते रहते, पैसे भी आते जाते रहते। बात होती है मेहनत की, जो के बंदे ने कितनी मेहनत की है, कितना इस पर वो इतना टाइम ज़ाया किया हुआ है, एक दूसरी जगह तो ये आके काम सीखा है, और फिर जब आप काम सीख लेते हो फिर अपने लिए चीज़ें इकट्ठा करने शुरू कर देते हो और पैसे जमा करवाते हो, वो यूँ दो मिनट में गायब हो जाए ना, तो इंसान का दिल जो है वो काम करना जो है बंद कर देता है। तो बस अभी हमारी हालत भी ना इसी तरह हो गई है, क्योंकि अगर एक दो चीज़ें होती तो फिर भी हम कहते चलो यार दो चीज़ें ले लेते कोई बात नहीं, मतलब छः मशीनें, छः सात मशीनें और पूरे हाथ के कितने औजार हैं वो सब के सब गायब हैं। तो इसके पीछे कितने सालों का जो मेहनत है, हमारा जो चीज़ हमने इकट्ठी की वो गायब बिल्कुल।